हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और हाँ, वो तीन चीज़ों का आप ध्यान तो रख रहे होंगे, ठीक है? हेल्थ अपनी, ठीक है, फैमिली का आपको ध्यान रखना है, और थर्ड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपनी स्टडीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। लाइफ में इन तीन चीज़ों का हमेशा आपको और हमको सबको ध्यान रखना है, ठीक है, ये प्रायोरिटी है हमारी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पहले मैं, आप मेरी आए हैं थोड़ा बात सुन लीजिए। एक हफ्ता हो गया लगभग, शायद हाँ एक हफ्ता हो गया होगा, हमने प्रीवियस एक वीडियो डाला था, उसके बाद आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है, थोड़ा लेट हो गया। और हाँ, एक और अपडेट मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि LU एंट्रेंस एग्जामिनेशन BSc मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, तो उसकी तैयारी हमारे अनदर चैनल यानी कि LU अपडेट पे स्टार्ट हो चुकी है, राइट। उसका मैंने पूरा आउटलाइन कोर्स बता दिया था, तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। चलिए आज हम लोग, अच्छा एक बात सुनिए, हाँ जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए वीडियो है, डेडिकेटेड है, क्योंकि आपका शायद जून में एग्ज़ाम होगा मैथ्स का ना, और कैलकुलस काफ़ी 40% आपका समझिए जरा कि पूरे पेपर में कैलकुलस का बोलबाला है, राइट, ठीक है। तो वही क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आने के प्रायोरिटी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम करने वाले। एक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, सेक की पावर 6 का, तो आज हम लोग एक अनदर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ईमानदारी से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। और आपको जितना क्वेश्चन सिंपल दिखेगा उतना सिंपल जना भी है नहीं, राइट, जितना आपको क्वेश्चन सिंपल दिखेगा उतना सिंपल ये है नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताइए, बातें आप बहुत करते समय, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने लगाया, क्वेश्चन मेरा ये है log x, log x का इंटीग्रेशन नहीं भाई, और अपॉन में 1 + log x, ये भी नहीं यार, इसका होल स्क्वायर और dx, आपको जनाब इसका इंटीग्रेशन करना है, बात समझ पा रहे हैं, इसका करना है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मुझको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है, मगर मैं पहली बार इस इंटीग्रेशन को कर रहा हूँ, तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा इस इंटीग्रेशन के लिए। देखिए बेसिक फंडा क्या कहता है, बेसिक फंडा ये कहता है कि आप हर बच्चा log x इक्वल टू t पुट करेगा, ठीक है, log x इक्वल टू t पुट करेगा, ठीक है, पुट करता हूँ log x इक्वल टू t, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पुट किया log x इक्वल टू t, आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने पुट किया t इज इक्वल टू log x, इतना पुट किया, ठीक है, ठीक है, यानी कि log x इक्वल टू t, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखिए, क्यों हम क्यों लिखे, हमें कैसे पिंच करेगा कि हमको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है, वो ऐसे करेगा। हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम पुट करते हैं, तो इधर पुट करते हैं, तो हम अगर इधर इंटीग्रेशन करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी टी इज इक्वल टू और लॉग एक्स का करोगे 1/x आ जाएगा और डी एक्स, ठीक है, तो इधर हमारा क्या बनेगा, मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। आप डी टी अपॉन डी एक्स करोगे इसके एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका करोगे लॉग एक्स का 1/x आ जाएगा, फिर आपका ये डी एक्स जो है इधर जाएगा, ठीक है, तो आपका कुछ इस फॉर्म में बनेगा। अगर आप डी एक्स की भी वैल्यू रखोगे एक्स डी टी, ठीक है, तो आप x को गायब करना चाहते हैं, लेकिन आपका x गायब तो नहीं हो रहा है ना, वो देखो आ तो रहा है शायद, साथ में आ रहा है ना, dx की जगह पे अगर आप x dt रखोगे तो आपको सिर्फ dt के टर्म में थोड़ी ना आंसर आ रहा है, x भी तो आ रहा है साथ में, तो मेरा ये अप्रोच थोड़ा फेल हो रहा है ना, ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखूँगा, बात समझ रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में मैंने लिख रहा हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dx का डिफरेंशिएशन इधर करो और इधर डिफरेंशिएट करो, dx by dt t के टर्म में करना, ठीक है, dx by dt हो गया, अब इधर करो e की पावर x का, e की पावर t हो गया, ठीक है, अब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर t और dt, ये अप्रोच अब देखिए अलग अलग हो गया। अब dx की वैल्यू मैं रखूँगा et, e की पावर t और dt, इतने में कोई दिक्कत परेशानी कोई प्रॉब्लम तकलीफ कुछ नहीं, ठीक है, चलिए पुट करता हूँ। अब मेरा काम कुछ बन रहा है, तो इंटीग्रेशन log x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, log x की जगह पे मैंने t पुट किया t, और dx की जगह पे मेरा क्या आ गया, अभी रखता हूँ उसको जगह पे, 1 + log x यानी कि t और ये होल स्क्वायर आ गया, और dx की जगह पे मेरा क्या आ गया, मैंने अभी निकाला यहाँ पे e की पावर t और dt, तो e की पावर t और dt, अब ये मेरा पूरा इंटीग्रल जो है वो टी की फॉर्म में बन गया, आ गया, बन गया कि नहीं बन गया। अब आप ये देखिए, अब इसको कैसे लगा सकते हैं, अब e की पावर t क्या हमारा है, ये इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे
कुछ करना है, इसको मैंने बाहर लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा, टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब इस फॉर्म के जो इंटीग्रल होते हैं, आपने कई बार इनको लगाया हुआ है, ठीक है, आप जानते हैं इनको कैसे लगाना है। हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ऊपर भी वही बनाएंगे, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है ऊपर वो बनाने की कोशिश करेंगे, बना के कोशिश कीजिए। तो e की पावर, ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ क्या करूँ, एक बार वन प्लस कीजिए तो वन प्लस टी बन जाएगा, और एक माइनस वन कर दीजिए, यानी कि वन प्लस टी, एक बार मैंने वन प्लस कर दिया और एक बार मैंने क्या किया, वन माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने वन प्लस टी स्क्वायर जो है ना होल स्क्वायर, इसको दोनों पे क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वन प्लस टी का होल स्क्वायर, और इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वन प्लस टी का होल स्क्वायर, इतना कर दिया, ठीक है। और ये हमारे इधर डी टी लिखा हुआ है। बोले इतने में कोई परेशानी, कुछ नहीं, आराम से हो गया। अब देखिए, वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी और वन प्लस टी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। जब ये मेरा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये मेरा e की पावर t है ये, ठीक है, e की पावर t है। और इंटीग्रल, अरे भाई इंटीग्रल बन जा, हाँ ये देखो इंटीग्रल, ओके, क्या बचेगा यहाँ पे, वन अपॉन वन प्लस टी बचेगा सिर्फ, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बचा। और ये क्या लिखा है, डी टी, ठीक है, ऐसे लिखा है, ओके। अब आप याद, इसको ध्यान से देखिए, आपने क्लास ट्वेल्थ में, मतलब अपने ही क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है। क्या थ्योरम पढ़ी है, कि अगर कोई फंक्शन है e की पावर x है, थ्योरम मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। थ्योरम ये कहती है, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं यहीं पर बताऊँगा थ्योरम। थ्योरम ये कहती है, अगर e की पावर x, ठीक है, ये लिखा है, और इधर आपका कोई फंक्शन f ऑफ x लिखा है, और प्लस इधर इसका क्या लिखा है, डेरिवेटिव लिखा है, मतलब माइनस f डैश x, इधर ये डेरिवेटिव आपका लिखा है, ठीक, ये है क्वेश्चन। और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर x f ऑफ x माइनस f डैश x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें करने में क्या करो, इसका करेंगे तो आप अंदर भेजेंगे फिर वाला थ्योरम लगाएंगे, इससे अच्छा इसका डायरेक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये आपका जो फंक्शन होता है वो आ जाता है f ऑफ x, ठीक, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा केस देखिए क्या बन रहा है, मेरा भी केस यही बन रहा है कि नहीं, मेरे पास e की पावर x तो नहीं है अभी, लेकिन e की पावर t के फॉर्म में चल रहा है, और वन अपॉन ये फंक्शन वन प्लस टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए वन प्लस टी का, तो यही तो आएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन यही आ रहा है, ठीक है, यानी कि फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन भी है। तो क्या करेंगे अब, हमारा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर t और एफ टी, एफ टी बोले तो क्या आएगा, हमारा फंक्शन क्या है, वन अपॉन वन प्लस टी, ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन, ठीक है, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब प्लस c, हमारा एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, इतना आ गया, ठीक है। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, एक t की वैल्यू थी क्या, तो e t हमने क्या पुट किया था, t मैंने पुट किया था log x, तो e की पावर log x अपॉन वन प्लस t की जगह हमने क्या पुट करेंगे, log x को पुट कर दीजिए, log x प्लस c, तो हमारा ये देखिए लल्लनटा फाइनल इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में किस तरीके से इस इंटीग्रेशन को हमने किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, जय हिंद।